इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 3 राज्यों में चुनाव हैं और कांग्रेस कितनी तैयार है। देखिए, जाहिर है कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है और हर चुनाव के अंदर पूरी ताकत से हम पार्टिसिपेट करते हैं और इन चुनाव के अंदर भी हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। हरियाणा में आपसी मुद्दों को लेकर, आपसी लड़ाई को लेकर लेट से उतरी है कांग्रेस, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे और उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब कोई भी राजनीतिक दल ताकतवर होता है, मजबूत होता है, तो आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और सवाल ये नहीं है कि देर से उठे। हरियाणा में हम बहुत मजबूत हैं, वहाँ हमारी सरकार रही है और आज के जो हालात हैं उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा के लोग हमारे साथ आएंगे। इस बार के क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे लेके उतर रहे हैं? देखिए, जितने मुद्दे आजकल के चुनाव में हैं, इतने बड़े बड़े मुद्दे कभी नहीं रहे। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत हर रोज बढ़ती चली जा रही है, देश के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं कानूनी व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, हरियाणा के अंदर भी ये हालत है। तो इतने सारे मुद्दे हैं कि जनता परेशान है। तो इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि जनता हमारे साथ आएगी। और मोदी के कार्यक्रम को किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी दल का हो, अगर उसे विदेश में इज्जत मिलती है तो देशवासी खुश होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस प्रोग्राम के अंदर गए थे, वो तो ऐसा लगता है कि अमेरिका के आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की इलेक्शन कैंपेन है और ट्रंप की सपोर्ट में मोदी गए। उनका जो भाषण था वो ट्रंप की सपोर्ट में था, ट्रंप का जो भाषण था वो निश्चित तौर से उनकी इलेक्शन कैंपेन थी, और उस इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनना मैं नहीं समझता कि हमारे देश के हित में। कल को डेमोक्रेट्स आ गए वहाँ पे, ट्रंप हार गए, तब क्या होगा? हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेल्योर है और वावाई लूट रहे हैं मोदी जी। लेकिन ट्रंप ने अगले दिन क्या कह दिया है इमरान खान के साथ, कि मैं मीडिएट करना चाहता हूं। क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक जुमला बोला इमरान खान से? अमेरिका सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अहमद के साथ मैं फराह खान, R9 TV।